नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। दोस्ती की तो आपने कई मिसालें सुनी होगी, परंतु एक ये कहानी भी याद रखी जाएगी कि जिंदगी में आखिरी वक्त भी यारी यूं ही रहेगी और फिर दुनिया भी साथ ही छोड़ जाएंगे। जयपुर में ये दर्दनाक सड़क हादसा गोपालपुरा बाईपास रोड पर रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास हुआ, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। 5 दोस्त सवार थे। गोपालपुरा बाईपास रोड सिद्धि सिद्धि चौराहे के पास हादसा और ये सभी दोस्त जयपुर, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर के रहने वाले थे। काफी देर कार में ही फंसे रहे। जयपुर में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई। हादसा सोमवार देर रात 1 बजे गोपालपुरा बाईपास रोड पर रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास हुआ। कार में 5 दोस्त सवार थे और तेज रफ्तार से कार चला रहे थे। शहर में नाइट कर्फ्यू होने की वजह से सड़क पर सन्नाटा भी था। ऐसे में बेकाबू स्पीड से चल रही कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सभी युवक कार में ही फंस गए। इसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राकेश, मुकेश और पुष्पेंद्र जाट नाम के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि दलजीत और विवेक घायल हैं। मृतक राकेश सीकर जिले के लोसल, मुकेश झुंझुनू जिले के पोसना और पुष्पेंद्र जाट भरतपुर जिले के पथेरा का रहने वाला था। पुष्पेंद्र गोपालपुरा बाईपास पर हॉस्टल चलाता था। जानकारी के अनुसार विक्की नाम का युवक देर रात पुष्पेंद्र से मिलने आया था। दोनों में हॉस्टल को लेकर कुछ बातचीत हुई। इसके बाद पुष्पेंद्र विक्की की गाड़ी लेकर रवाना हो गया। वहीं राकेश और मुकेश मानसरोवर में रहकर कपड़ों का काम कर रहे थे। यह सभी रात 1 बजे कार में गोपालपुरा चौराहे से गुजर की थड़ी की तरफ जा रहे थे। त्रिवेणी नगर पुलिया से नीचे उतरने के बाद रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास कार आगे चल रहे एक डंपर में घुस गई। नाइट कर्फ्यू की वजह से सड़क भी सुनसान थी। हादसे के बाद सभी को नाकाबंदी कर पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इस वजह से देर रात काफी देर तक सभी लड़के कार में ही फंसे रहे। बाद में किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, तब गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को कार से बाहर निकाला गया और इनमें से 3 ने तब तक दम तोड़ दिया था, जबकि 2 को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने शवों को SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।